कि एलेक्स सर के साथ मीटिंग हुई है, जो टीम लीडर्स हो गए या अल्फा टीम हो गई इनके लिए, ठीक है। तो इन्होंने उल्लेख किया था कि यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के विशाल नेटवर्क वाले 3 मार्केटिंग समुदाय जल्द ही जा लाइफस्टाइल में शामिल होंगे। उन्हें नेटवर्क और FS फ्यूचर शेयर उद्देश्यों के निर्माण के उद्देश्य से शामिल होने का उन्होंने उल्लेख किया है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि यूरोप, अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के विशाल नेटवर्क वाले यानी बहुत बड़े नेटवर्क वाले 3 नेटवर्क मार्केटिंग समुदाय यानी 3 विशाल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमारे जा लाइफस्टाइल में शामिल होने वाले हैं और उन्हें नेटवर्क और मतलब कि जो नेटवर्क है वो और FS उद्देश्य यानी फ्यूचर शेयर उद्देश्यों के निर्माण के उद्देश्य में शामिल होने का उल्लेख किया गया है। यानी कि फ्यूचर शेयर की पे ज्यादा फोकस यहाँ पे मतलब वो कंपनियां करने वाली है और उसके निर्माण मतलब कि और ज्यादा बढ़ोतरी कह लीजिए निर्माण कुछ नया एक्टिविटी के पर्पज से शामिल होने का उल्लेख किया गया। कृपया प्रबंधन के साथ स्पष्ट करने में मदद करें कि इस रणनीति पर प्रक्रिया कितनी दूर है। यदि वे पहले ही जा लाइफस्टाइल सदस्य के रूप में शामिल हो चुके हैं तो न्यू एरा पैक खरीदना शुरू कर देते हैं तो 0.45 और बढ़ती फ्यूचर शेयर दर तेजी से चलनी लगेगी। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। यानी कि कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो बाहर की कंपनी आने वाली है वो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग विशाल समुदाय जो यहाँ पर जुड़ेगा वो यहाँ पर जो है कि न्यू एरा पैकेज खरीदना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर 0.45 तक फ्यूचर शेयर की वैल्यू जो है इस दर से तेजी से बढ़ के उस रेट तक आ जाएगी 0.45, जिसके बाद न्यू एरा पैक जो है एंड हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बायबैक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी आप लोग फ्यूचर शेयर सेल कर पाएंगे या खरीद पाएंगे मतलब बेच पाएंगे पुराने जो फ्यूचर शेयर वो और जो नए वाले हैं मिल रहे हैं वो भी, क्योंकि जो नए मिल रहे हैं वो आपको चाहे 0.25 मिल रहे हैं 0.25 या 0.45 जिस भी रेट में मिलेंगे बिकेंगे आपको 2 यूरो के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा और जो पुराने फ्यूचर शेयर है वो 1 यूरो के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पर ये जो अभी जो मैंने बात बताई इसके लिए पूछा गया हमारे COO जो अरुण सर हैं उनका जवाब है COO का कि हाँ यह सही है, यूरोपीय समूहों के नेता पहले से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर और दक्षिणी अमेरिकी टीम शीघ्र ही हमारे साथ आएंगी। कल के समाचार पत्र के बाद हमें श्री एलेक्स ने बताया कि अधिक पुराने सदस्य नए पैकेज खरीदना मतलब जो न्यू एरा पैकेज खरीदना शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों में बिक्री में काफी तेजी आने वाली है। हालांकि हम FS2 शेयर के मूल्य 0.45 तक पहुंचने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब अभियान समाप्त हो जाएगा तो FS1 और FS2 बायबैक अभ्यास दोनों शुरू हो जाएंगे। हम जून में लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं, मतलब इन्होंने टारगेट फिक्स कर दिया कि जून में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जून में मतलब मई चल रहा है, जून में लिस्टिंग में आना चाहते हैं, मतलब इन्होंने फाइनल जवाब दे दिया कि जून में इनको लिस्टिंग के लिए आना ही है और ये ज्यादा वेट नहीं करना चाहते। अपनी टीमों को 18 यूरो लाइफस्टाइल एक्टिवेशन शुरू करने के लिए कहें, यानी कि आप अपनी टीम में भी 18 यूरो का जो एक्टिवेशन करने के लिए मतलब कि अगर आप बता सकते हैं कि उसका कैलकुलेशन क्या है और उनका 5x7 का निर्माण करें, यानी 5x7 यानी कि 5 मैट्रिक्स, यानी आपने 5 किए, आपके नीचे वाले ने 5-5 किए, उनके नीचे वालों ने 5-5 किए, इस तरीके से 7 लेवल तक का निर्माण शुरू करें। उनके डेबिट कार्ड को ऑर्डर करें और न्यूज लेटर में बताए अनुसार तुरंत कमाई शुरू करने के लिए आवश्यक कार्य करें। इस बीच यह एक साथ काम कर रहा है और आने वाले हफ्तों में कुछ रोमांचक विकास की घोषणा करेगा, इसी तरह जाका भी। तो देखिए यहाँ पर जो है एलेक्स सर के साथ COO की मीटिंग हुई है, ये सारी चीज निकल के आई है। हालांकि ये जो मैसेज मैंने पढ़ा है ये सर्कुलेट ऑलरेडी हो चुका है, आज मेरा ये वीडियो एक दिन पुराना है, एक दिन लेट है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल बहुत कुछ चल रहा है और अभी भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई आप लोग आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं, जब शुरू हो जाएगी तो फिर मिठाई खा लेना और फिर देखते रहना कि अब बंद कब होगी, लोग पैसे कमाएंगे तो काम शुरू करेंगे, लोग यहाँ पर परेशान होने लगेंगे तो हम देखेंगे।